आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुझे हितेश याद है? तेरे और अनु के साथ स्कूल में पढ़ा करता था। उसके यहाँ नवरात्रि का फंक्शन है तो तुम और अनु चले जाना। माँ वो प्रसाद की तैयारी करनी है, देवुदा के साथ मिलके प्रसाद बनाना होगा और उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। वो सब कल कर लेना, आज के लिए काफी काम कर लिया है तूने। और सुन, अच्छे से सत्सवर कर जाना। आशीर्वाद के बाद तुम और अनु पहली बार एक साथ बाहर जा रहे हो, जो भी देखे इस जोड़े को देखता रह जाए। क्या करूं मैं स्थानी का? दो दिन नहीं हुए उसे यहाँ पे आए हुए और सारी की सारी इंपॉर्टेंस इसे मिले जा रही है। इतने सालों से मैं इस घर की बेटी हूं, माँ के साथ हर काम मैंने किया है, पर कल इसने दो काम क्या कर लिए? सबके सब इसी के तारीफों के पुल बांधने लग गए। तुमने देखा था इनको? कैसी दिखती है वो? उम्र में 8 साल छोटी है तुमसे, लेकिन दिखती 8 साल बड़ी है तुमसे। और जहां तक खूबसूरती का सवाल है, तुम्हारे आसपास भी नहीं है वो, मोटी भी है। मोटी नहीं है वो, मोटी है। तुमने बड़े गौर से देखा है उसे? अरे नहीं बाबा, मैंने कुछ गौर वौर से नहीं देखा है उसे। कहा मैं तो उसकी बुराई इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हें अच्छा लगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तानी के बारे में कोई कुछ भी बोले ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए अनन्या। अनन्या, तानी उस नए खिलौने की तरह है जो कुछ बच्चों के हाथ लग जाता है। वो कुछ दिनों तक मन बहला देते हैं उस खिलौने से और फिर जब बोर हो जाता है उस खिलौने को फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह से घर वाले भी तानी से बोर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है तुम भी बोर हो चुके हो, राइट? किससे? मुझसे। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? कभी कभी तुम पे शक तो होता है मुझे। अरे नहीं बाबा, गलती से भी ऐसी सोच अपने दिमाग में मत लाओ। तुम्हारा जो पति है ना अनन्या, वो बिल्कुल शरीफ इंसान है। वो तुम्हारे अलावा किसी को आंख भी उठाकर नहीं देखता। तो यही बात मेरे से आंख मिला के क्यों नहीं कह रहे हो तुम? अरे आंख मिला कर ही तो कह रहा था, वो आंख में कचरा चला गया था। अगर किसी की तरफ आंख उठा के देखा ना तो मैं तो तुम्हें क्या? अगर मैं कुछ बाहर करूंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ी। क्या क्या बोले तुम? अरे सॉरी 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 सॉरी, मेरी बात तो सुनो। वो तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। सब कुछ जो मैं बाहर करूंगा वो छुप छुप कर करूंगा ना। अनन्या, तुम्हारी खातिर हो या मेरी खातिर, मैं तानी को इस घर में आने से रोक कर रहूंगा। भाइयों और बहनों सुनो, सुनो इस देश की एक कहानी। किस्मत है फूटी, जेब है काली और आंखों में है बस पानी। पैसे वालों की दुनिया है सारी, पैसे की ही आवाज है इस आम लोगों की बस्ती में, सरेआम गुंडा राज है। मालिक 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 रहम, मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया है। जाने दे बच्ची, ये सब रिसेशन की माया है। अरे कंपनी ही ठुकरा है तो हम लोग कहाँ जाएं? अरे तो तुम लोगों के खातिर मालिक अपना गला कटवाए? रिसेशन आया है तो इसमें हमारा क्या दोष है? जा जाकर सरकार से पूछ, लेकिन उन्हें कहाँ होश है। देखो साहब, गाड़ी क्यों रुकवा दी?
मौली, ये यहाँ पे क्या कर रही है? तो इस तापस का स्ट्रीट प्ले होगा। चल भाई रॉबी, ऐसी जगहों पर तुझ जैसे कदरदानों की बहुत जरूरत होती है। बैठिए सर। खुदगर सरकार के राज में जान हमारी जानी है, इनकी नजरों में खून हमारा खून नहीं पानी है। क्या बढ़िया डायलॉग बोला है। अरे सब ताली बजाओ। बहुत अच्छा नाटक था। स्ट्रीट प्ले था। जो भी था बहुत अच्छा था। थैंक्स। एक्चुअली ना तुम लोग टिकट लगा कर शो करो, काफी सारे पैसे भी मिल जाएंगे। बिंदु, ये लोगों की अवेयरनेस के लिए था। किस बात की अवेयरनेस? रिसेशन की वजह से लोगों को बिना वजह नौकरी से निकाला जा रहा है और सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही, इसीलिए। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम टिकट लगा के शो करना, काफी सारे पैसे भी मिल जाएंगे और फिर उन्हीं पैसों से तुम उन लोगों की मदद कर देना जिनकी नौकरी चली गई। देखो अमला, स्ट्रीट प्ले में फोकस होना बहुत जरूरी है और पब्लिक की आंखों में देख के बात करना बहुत जरूरी है, और चेहरा ऊपर नहीं, ये ऐसा चेहरा ऊपर और आंखों में देख के बात करना। हाँ ऐसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। इतना जल्दी? अरे तू तो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रुकने वाली थी। मुझे कोई चर्चा वर्चा नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अरे पर हुआ क्या है तो बता। कुछ नहीं हुआ। अरे काका, अभी तक आपने इसे लगाया नहीं, अभी इतनी जगह और लगाना बाकी है, जल्दी कीजिए। ताजे फूल भिजवाए थे, मिल गए ना? कितनी वाला बनी काकी, जल्दी करो, टाइम नहीं है। अब दादा ये सब्जी आप किचन में रख दीजिए, मैं आके बनाती हूँ। आज के जितने भी काम थे लगभग सारे हो गए हैं। वो पूजा की सामग्री मंगा ली है, मेहमानों की लिस्ट बना ली है और देवी का पंडाल सजा लिया है और उनके गहनों के लिए जो ऑर्डर देना था वो भी दे दिया है। और कुछ हो तो? हाँ एक काम तो है और बहुत जरूरी भी। क्या माँ? तुझे हितेश याद है? तेरे और अनु के साथ स्कूल में पढ़ा करता था। यहाँ नवरात्रि का फंक्शन है तो तुम और अनु चले जाना। माँ वो प्रसाद की तैयारी करनी है, देवूदा के साथ मिलके प्रसाद बनाना होगा और उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। वो सब कल कर लेना, आज के लिए काफी काम कर लिया है तूने। और सुन, अच्छे से सत्सवर कर जाना। आशीर्वाद के बाद तुम और अनु पहली बार एक साथ बाहर जा रहे हो। जो भी देखे इस जोड़े को देखता रह जाए।
रिश्ता वही।